स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसी सेशन से हमारे कॉलेज ने एड ऑन कोर्सेज को लॉन्च किया है, जिस जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, केमिस्ट्री, उसमें से ही म्यूजिक भी एक एड ऑन कोर्स के तौर पर शामिल किया गया है। तो एड ऑन कोर्स क्या होता है? जैसे हम रेगुलर जो डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, BCA, BA या BCom, BSc, उसके अलावा हम एज अ हॉबी सब्जेक्ट एड ऑन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम के बच्चे और किसी भी एज के बच्चे, है ना। कॉलेज मेरे एड ऑन कोर्स के का टाइटल है एक्सप्लोरिंग ट्रेडिशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के एक्सप्लोर समझेंगे, जानेंगे हम। ट्रेडिशनल मीन्स मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि जो हम अपने हाथों से बजाते हैं, जैसे कि तबला, सितार, हारमोनियम, कीबोर्ड। और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी से प्ले करते हैं, जैसे कि डिजिटल तबला, कीबोर्ड और बास गिटार वगैरह, ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस कैटेगरी में आते हैं। तो हम इनको डीपली समझेंगे और इस एड ऑन कोर्स की ओवरव्यू लेते हैं कि हम इस एड ऑन कोर्स के अंदर क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या जानेंगे। कोर्स फॉर मेरिट, कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे और मैं सब्जेक्ट्स को क्या क्या है। दिस सर्टिफिकेट कोर्स इज अ बिगिनर फ्रेंडली कोर्स डिजाइन टू एक्सप्रेस द जॉय ऑफ म्यूजिक टू इंडिविजुअल ऑफ ऑल सीम्स। ये कोर्स ऐसे बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं है, बिल्कुल बिगिनर्स है, और ऑल सीम्स के किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं, जिसमें से कि हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द म्यूजिक टर्मिनोलॉजी लाइक स्केल, नोट्स, कॉर्ड्स एंड रिदम एट्सेट्रा। इसमें हम ये म्यूजिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जैसे कि स्केल्स क्या होती है, कितनी स्केल्स होती है, नोट्स क्या है और कॉर्ड्स क्या कैसे होते हैं। जैसे कि पियानो में या कीबोर्ड में हम कॉर्ड्स बजाते हैं, और जबकि जो हम सिख गिटार के कॉर्ड्स बजाते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो उन दोनों की टेक्निक्स को समझना है ना। इट कवर्स द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। इसमें हम इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री को जानेंगे कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हमारा इंडियन म्यूजिक कैसे पड़ाव से गुजरा है, या कैसे इंस्ट्रूमेंट्स की या हमारी गायन शैली की कैसे उत्पत्ति हुई, विकास हुआ, उनमें कैसे चेंजेस आए, परिवर्तन क्या क्या हुए उनमें, वो हम इसमें सब जानेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, हम इंस्ट्रूमेंट्स के वर्गीकरण को भी जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हम मेनली प्ले करते हैं वो कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मेनली कोर्स जो क्लासिफिकेशन इसमें है वो फोर टाइप्स में होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि तंत्री वाद्य, अवनवाद्य, खल वाद्य और सुशील वाद्य। तंत्री वाद्य से अभिप्राय तंत्री मतलब तारों वाले से, तारों की ओर संकेत हो रहा है कि तंत्री वाद्य हुए वाद्य होते हैं जिसमें तारे होती हैं, तारों के द्वारा हम जब ध्वनि को उत्पन्न करते हैं तो उनको तंत्री वाद्य कहते हैं। और अवनत वाद्य वे वाद्य होते हैं जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, जैसे कि तबला, ढोलक, ढोल, है ना, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे अवनत वाद्य की श्रेणी में आते हैं। सुशील वाद्य वायु से उत्पन्न होने वाले वाद्य होते हैं, मतलब जो हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो वायु के, हवा के वेग से उत्पन्न करते हैं। इस श्रेणी में ऐसे उदाहरण के तौर पे शहनाई, बांसुरी, अलगोजे, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। और घन वाद्य जैसे घंटी है, चिमटा है, घुंघरू है, ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो है घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो हम इसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन
इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट पे क्या इफेक्ट्स पड़े, जो हमारी परंपरा कई पीढ़ियों से परंपरा जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का क्या रोल रहा, मतलब क्या इफेक्ट्स या क्या हमें उसके एडवांटेजेस क्या रही है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कुछ फ़ायदे भी हुए हमें, कुछ नुकसान भी हुए, तो इसमें हम जानेंगे कि क्या हमें फ़ायदे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स इवेंट होने से या फिर डिसएडवांटेजेस उसके क्या है। और इसमें हम हैंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द सितार, हारमोनियम, कीबोर्ड एंड तबला, हम इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब हम इसमें प्रैक्टिस सेशन जो हमारा रहेगा वो इन इंस्ट्रूमेंट्स पे मेनली रहेगा, जैसे कि सितार पे, हारमोनियम पे, कीबोर्ड और तबला। दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर एनरिच द एनरिच एंड सपोर्ट्स कैन दिस इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देम टू परसीव अ कैरियर इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर दोज हू हैव कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड बैचलर डिग्री आफ्टर प्लस टू और बैचलर, जो बीए के बाद या बीए के साथ हम इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, दिस कोर्स इज एक्सप्लोरिंग ट्रेडिशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिक हैज बीन कंसिडर्ड एज इन इनबॉर्न टैलेंट ऑफ मैन, कहा जाता है कि जो संगीत कला है वो मनुष्य के जन्मजात से जुड़ी हुई होती है और इस कला को हम अपने अभ्यास के द्वारा और ज़्यादा निखारते हैं। और संगीत को जो है विच कैन बी वोकल अरेंजमेंट्स थ्रू म्यूजिक अ पर्सन कैन सेल्फ एक्सप्रेस अ वेरी वेल, हम अपने मन के भाव को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं संगीत के माध्यम से। जैसे कोई बहुत अच्छे रचनाकार होते हैं वो अपनी रचनाएं एक स्वरलिपि के द्वारा बहुत अच्छे से कंपोज करते हैं, लिखते हैं, तो एक संगीत ही उसको एक माता जो मन के होते हैं ना, मन के एक माला का बनती है मन के जब मिलते हैं, जब इन सभी चीज़ों का संगम होता है ताल लय सुर, तो उससे एक सुंदर सी माला तैयार हो जाती है। ऑफरिंग वर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन सेल्फ सेटिस्फेक्शन ऑफरिंग वर्शिप, हम इस अपने संगीत के माध्यम से मतलब अपने देवी देवताओं को रिझा सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं और अच्छा सोशल कनेक्शन बन सकता है, इसे बहुत अच्छा सोशल कनेक्ट बनता है। एक आर्टिस्ट जब स्टेज पे गाता है बजाता है तो उसकी जान पहचान कितने लोगों से होती है ना, तो ये एक सोशल कनेक्शन का भी एक अच्छा माध्यम है। कल्चर प्रिजर्वेशन जो हमारी धरोहर है, जब हम इसको सीखेंगे और आगे सिखाएंगे तभी तो ये कल्चर ये संस्कृति हमारी आगे बढ़ेगी ना, अगले जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उन तक तभी पहुंचा पाएंगे ना हम, जब हम कुछ सीखेंगे या सिखाएंगे है ना। तो एनहांस क्रिएटिविटी, एक क्रिएशन जब हम सीखते हैं तो अब ये एक न्यू क्रिएशन हम डाल सकते हैं इसमें, डेवलप और न्यू स्किल, एक अपने आप में नई स्किल सीखने का मौका मिलता है। एंटरटेनिंग अदर्स, हम संगीत के माध्यम से दूसरों का भी मनोरंजन करवा सकते हैं। और म्यूजिक वर्क एज अ थेरेपी ऑफ थेरेपी टू रिड्यूस स्ट्रेस, जो म्यूजिक है वो एक थेरेपी के रूप में हमारी हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। कोर्स आउटकम्स, इस कोर्स करने से हमारे को क्या बेनिफिट्स होगा, म्यूजिक विच इज एक्सट्रीमली बेनिफिट फॉर दोज हू विश टू अपग्रेड देयर स्किल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड कैन देमसेल्फ बिकम म्यूजिक टीचर, म्यूजिक टीचर हो सकता है या फिर म्यूजिक कंपोजर हो सकता है, आर्टिस्ट उसकी वो अपने करियर को इसके इस बेसिक कोर्स के थ्रू अपने करियर को परस्यू कर सकता है। एनहांस नॉलेज, क्रिएटिव इंस्पिरेशन, कल्चरल एप्रिसिएशन, एनहांस इनोवेशन आइडियाज, इनोवेटिव हमने आइडियाज को
क्रिएट कर सकते हैं। और इस जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हुए थे इसमें हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री को जानेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक, इसकी विशेषताएँ समझेंगे। इस तरह से ये सारे 8 यूनिट्स हैं जो कि 3-3 घंटों में डिवाइड है। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो 32 आवर्स में हमने इसको करना है। और जो इस कोर्स से जो थ्रू होना चाहता है वो इन रेफरेंसेस को ओपन करके भी और अच्छी डिटेल को जान सकता है। इवैल्यूएशन, हम देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसको इवैल्यूएट जब हम कोर्स कर लेंगे उसके बाद हमारा जब एग्ज़ाम होगा उस वो किस तरीके से होगा। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ 10 मार्क्स, जो आपकी क्लास की प्रेजेंटेशन है, क्लास रिकॉर्ड है, वो 10 मार्क्स का होगा। और असाइनमेंट ऑफ 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट होगी। फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ 30 मार्क्स जिसमें से कि 15 MCQs होंगे। और सर्टिफिकेशन, इसकी सर्टिफिकेशन जो ये 50 मार्क्स है इसके आधार पर होगी। जैसे बिलो 16 वो फेल, 17-24 ठीक है, एंड 35-39 वेरी गुड, 40-44 एक्सीलेंट, एंड 45-50 आउटस्टैंडिंग। तो ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर जो हम रेगुलर कोर्सेज करते हैं जो रूल्स उसके हैं वो सेम फोर रूल्स इसमें भी फॉलो होंगे। ये कुछ इमेजेस है, जैसे कि मैंने बताया था कि धनबाद गए, चमड़े से मरे गए, देखो इस तरह के अलग अलग जो है ये सारे धनबाद की श्रेणी में आते हैं। ये सुशील वाद्य समझ आया हो। थैंक यू सो मच।